मध्यकाल भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। 10वीं सदी तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर और समृद्ध देश था, लेकिन भारत की इन समृद्धि को देख दूसरे देशों के राजाओं का मन ललचा गया और उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान अखंड भारत के बड़े हिस्से पर कई राजपूतों, मराठाओं और दूसरे छोटे शासकों का राज था, जिन्होंने कई सदियों तक विदेशी शासकों को भारत में घुसने से रोका। लेकिन 12वीं सेंचुरी आते आते यह सब काफी ज्यादा कमजोर हो गए और इसके बाद तो दिल्ली की गद्दी पर कई विदेशी राजा बैठे। लेकिन एक छोटे से देश से आए बाबर ने भारत के उस समय के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराते हुए अखंड भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसका सबसे पहला सुल्तान खुद बाबर ही था। इस तरह 1526 में मुगल साम्राज्य का सफर भारत में शुरू हुआ, जो करीब 1857 तक चला। मुगल साम्राज्य के समय भी भारत ने काफी तरक्की की और 16th सेंचुरी तक अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी और समृद्ध ताकत हुआ करता था और दुनिया की टोटल जीडीपी में करीब 30% हिस्सा उस समय भारत का ही हुआ करता था। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि जहां 12th सेंचुरी से पहले तक भारत पर किए जाने वाले आक्रमणों में राजा भारत से लूटी हुई संपत्ति को अपने देश में ले जाया करते थे, तो वहीं मुगल शासकों ने भारत की समृद्धि और धन को बाहर ले जाने की बजाय यहीं पर रहकर राज करने का फैसला किया। लेकिन मुगलों के एक गलत फैसले ने पूरे मुगल साम्राज्य को ही तबाह कर दिया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के उदय और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे बाबर ने एक छोटे से राज्य से इतने बड़े मुगल साम्राज्य का सफर तय किया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य एक समय पर भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज करता था और दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, वह टूटने पर मजबूर कैसे हो गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो 16th से लेकर 12th सेंचुरी तक भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों के हमले हुए, लेकिन ज्यादातर हम लोग में विदेशी राजा भारत में लड़ाई लड़के और यहाँ के बड़े बड़े राजकोष को लूटकर वापस उन्हें अपने देश में ही ले जाया करते थे। लेकिन उस समय भारत की समृद्धि इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय बाद भारत दोबारा से पहले ही जगह पर आकर खड़ा हो जाता था। ऐसे में कुछ मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत का लूटा हुआ खजाना या समृद्धि बाहर ले जाने की बजाय भारत में ही शासन करना शुरू कर दिया। अखंड भारत के इस्लामिक एम्पायर की शुरुआत मोहम्मद घोर ने की थी। मोहम्मद घोर आज के अफगानिस्तान से दिल्ली तक आया था और 1175 में उस समय भारत के बड़े बड़े राज्यों और दिल्ली को हराते हुए मोहम्मद गौरी ने भारत पर इस्लामिक शासक का प्रारंभ किया था। इसी तरह गजनवी एम्पायर का जन्म हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए 1526 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस साम्राज्य के आखिरी राजा इब्राहिम लोधी था, जिसे 20 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया और इसी तरह भारत में एक दूसरे इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, जो उस समय भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बनकर उभरा। इसके बाद बाबर और उसके वंशजों ने समय के साथ मुगल साम्राज्य को और भी ताकतवर बनाया, पर अंग्रेजों के भारत में आने के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा और 1526 में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य ने 1857 आते आते अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में करके मुगल साम्राज्य के राजाओं और उत्तराधिकारियों को बेरहमी से मरवा दिया। मुगल साम्राज्य एक काफी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को काफी अच्छे से दिखाता है। मुगल कालीन कला और शिल्प कला का विकास भारत में ही हुआ। इस दौरान भारत में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें बनाई गईं, कई बड़ी मस्जिदें बनाई गईं। हाँ, वह बात अलग है कि इन मस्जिदों को कई मंदिरों को तुड़वा कर ही बनवाया गया था, पर वह अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर कहने का मतलब यह है कि आज भी
अगर आप भारत की कुछ सबसे खूबसूरत इमारतों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें ज्यादातर इमारतों का निर्माण मुगल काल के दौरान ही हुआ है, चाहे उसमें दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज महल हो या फिर भारत की राजधानी की शान लाल किला। इन सभी का निर्माण मुगल शासकों द्वारा ही करवाया गया था, जो आज के समय भारत के इतिहास की एक पहचान बन चुके हैं। चलिए मुगल वंश के कुछ सबसे मशहूर राजाओं के बारे में जानते हैं। भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोदी वंश और दिल्ली सुल्तान का अंत हुआ एवं बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। इसीलिए बाबर पूरे मुगल वंश का सबसे मशहूर शासक था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 में भी भारत पर एक बड़ा हमला किया था, लेकिन उसमें उसे जीत नहीं मिल पाई। लेकिन इन हमलों के कारण बाबर काफी ताकतवर हो जा रहा था और उसे दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजाओं की कमियां दिखने लगी थी, जिसके बाद 1526 में किए गए आखिरी हमले में बाबर ने जीत हासिल कर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया और अब तो दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद बाबर की ताकत और विश्वास इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसके सामने दूसरा कोई भी राजा टिक नहीं पाया। बाबर के समय के दौरान हमने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा रूप देखा। इस समय अखंड भारत की सीमाएं सबसे ज्यादा दूरियों तक फैली। बाबर के समय मुगल साम्राज्य ने काफी तरक्की की। शुरुआत में तो भारतीय राजाओं और नागरिकों ने बाबर का विरोध किया, लेकिन समय बीतने के साथ बाबर भी भारत की संस्कृति के साथ घुलने मिलने लगा और उसके खिलाफ किए जाने वाले विरोध भी कम हो गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की थी। आपको बता दें कि बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का पितामह भी माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 को 47 साल की उम्र में आगरा में हुई, जिसके बाद उसके शरीर को आगरा में ही दफनाया गया। लेकिन 1544 में बाबर के शरीर को आगरा से अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबुर नाम की जगह पर दफना दिया गया, जिसके बाद बाबर का बड़ा बेटा मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक बना और केवल 23 साल की उम्र में ही हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठ गया। वैसे हुमायूं को अपने पिता बाबर की सल्तनत तो मिल गई, लेकिन हुमायूं इस ताकत को ज्यादा समय तक संभाल कर नहीं रख पाया, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर अफगानिस्तान चला गया, जहां पर उसने अपनी युद्ध कला को काफी ज्यादा मजबूत किया और वहां के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक बड़ी सेना तैयार की। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद हुमायूं एक ताकतवर योद्धा और शासक बन चुका था, जिसके बाद उसने 1555 में दिल्ली पर हमला किया और इस बार हुमायूं ने सिकंदर को पराजित करके दिल्ली का राज सिंहासन वापस से अपने कब्जे में ले लिया। आप कह सकते हैं कि हुमायूं ने अपने पिता बाबर के इतिहास को दोबारा से दोहराया था, जिसके कारण उस समय हुमायूं का काफी ज्यादा नाम हुआ। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने पिता की गद्दी संभाली और इस तरह अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर को 14 साल की छोटी सी उम्र में ही हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना दिया गया था। काफी छोटी उम्र से ही अकबर ने युद्ध कला और राजनीति के दांव पेच सीख लिए और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल और कांधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और अगर बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में कोई प्रसिद्ध राजा है तो वह अकबर ही था। कहा जाता है कि अकबर काफी ज्यादा दयालु था और वह सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। उसके समय में अपराध को कम करने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए थे। अकबर को कलाओं और इमारतों का भी काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए इस दौरान कई बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण भी किया गया। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के शासन को आगे बढ़ाया। अकबर के बेटे सलीम को काफी अय्याश राजा माना जाता है, जिसने केवल मनोरंजन के लिए ही काफी ज्यादा दौलत उड़ाई।
उसके महंगे शौक और हीरो की चाहत की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैली थी। जहांगीर के शासन काल में मुगल साम्राज्य ज्यादा नहीं फैला, यहां तक कि उसे कई छोटे राज्यों से हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जहांगीर खुद लड़ाई के लिए नहीं जाता था और न ही अपनी सेना का मार्गदर्शन करता था, जिसके कारण उस समय उसके सभी मंत्री और सैनिक उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक मुगल साम्राज्य पर राज किया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर के बेटे शाहजहां को उसका राज सिंहासन मिला। और आपने सही पहचाना, क्योंकि यह वही शाहजहां है जिसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज महल का निर्माण कराया था। और इसी ताज महल के चलते शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय बादशाह बन गए। शाहजहां ने अपने शासन काल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था, पर शाहजहां का अंत काफी दुख भरा रहा, क्योंकि मुगल सम्राट शाहजहां को सत्ता के लालच में उसके खुद के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना लिया था। और अपने अंतिम समय में शाहजहां आगरा के किले में ही बंदी रहे और 1666 में एक बंदी के रूप में मुगल साम्राज्य के महान सम्राट में से एक शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता की मौत से पहले ही अपने आप को 1658 में दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया और इस तरह औरंगजेब भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक बन गया था, जो 1707 में अपनी मृत्यु तक भारत का सुल्तान रहा। वैसे इसके बाद कई और मुगल सम्राट हुए, लेकिन कोई भी ज्यादा ताकतवर सिद्ध नहीं हुआ, ना ही किसी ने लंबे समय तक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। और इसके बाद तो भारत में जितने भी मुगल शासक हुए वह और भी ज्यादा कमजोर होने लगे। एक समय पर जो साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य में से एक था, उस पर अब दूसरे छोटे राजा भी हमला करके उसे लूट लिया करते थे। ऐसे ही एक घटना 1739 में, जब नादिर शाह नाम के एक विदेशी आक्रमणकारी ने दिल्ली पर बहुत बड़ा आक्रमण किया और काफी ज्यादा धन लूट कर अपने देश वापस चला गया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शासन था, लेकिन मोहम्मद शाह को ना तो युद्ध में दिलचस्पी थी और ना ही अपनी सल्तनत को बचाने में। वह पहले भी कई आक्रमणकारियों और राजाओं से हार चुका था और मुगल साम्राज्य की गद्दी पर करीब 28 साल तक राज करने के बाद 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका सारा शासन उसके बेटे अहमद शाह बहादुर के हाथों में आ गया, जो अपने बाप से भी ज्यादा अयोग्य शासक था। उसके शासन काल में भी मुगल साम्राज्य को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान अंग्रेजों की भारत में स्थिति भी काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी और मुगल साम्राज्य का आकार पहले से काफी ज्यादा छोटा हो गया। मुगल साम्राज्य की ऐसी हालत देख केवल 6 साल में ही उसे गद्दी से हटाने के लिए उसकी हत्या करवा दी गई, जिसके बाद अहमद शाह के बेटे बहादुर शाह जाफर ने दिल्ली की गद्दी संभाली। लेकिन अब चाह कर भी बहादुर शाह जाफर अपने पिता की गलतियों की भरपाई ना कर सका और उसके समय पर तो मुगल साम्राज्य इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि भारत में बढ़ रहे अंग्रेजों के वर्चस्व के सामने वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। और अंग्रेजों के साथ हुई एंग्लो मुगल वार में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को काफी बुरी तरह हरा दिया और बहादुर शाह जाफर को जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा इसके सभी बेटों को बेरहमी से मार दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जाफर की भी जेल में मौत हो गई और इस तरह पूरे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, जिसके बाद बिना किसी रोक टोक के अंग्रेजों ने भारत में अपनी ताकत का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो थी मुगल साम्राज्य के इतिहास की। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।